आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन पक्षियों के बारे में जिनका अगर आपके घर में आना जाना बना रहता है तो वो आपके दुर्भाग्य को अपने साथ लेकर आते हैं। साथ ही हम जानेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो अगर आपके घर में आता है तो वो आपके सौभाग्य का मुख्य कारण बन सकता है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आने जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी इन पक्षियों का आना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए कुछ पक्षी गलती से भी अगर आपके घर में आ जाए तो आपके घर पर अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके घर में आने से घर में पैसों का खर्च अचानक से बढ़ जाता है, यानी कि धन के खर्च के सूचक होते हैं। प्राचीन काल से ही लोग कुछ पक्षियों के घर में आने को शुभ और अशुभ मानते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से पक्षी हैं जिनका घर पर आना बहुत ही अशुभ कारक होता है और यह आपको कंगाल भी बना सकता है। और कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनका घर पर आना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं उन पक्षियों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ऐसे पक्षियों के बारे में जिनका घर पर आना अशुभ होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, पहला पक्षी है कबूतर। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि अगर आपके घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर कबूतर वास करते हैं उस स्थान पर अलक्ष्मी का वास होता है और ऐसे स्थान पर लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। कबूतरों के आने से घर में गंदगी फैलती है और नकारात्मक शक्ति भी बढ़ने लगती है, जिससे घर में पैसे की तंगी महसूस होने लगती है और धीरे धीरे सारा धन भी खर्च हो जाता है। इसीलिए घर में या घर के आसपास कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। दूसरा है चमगादड़। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर घर में चमगादड़ घुस जाए तो उस घर में बीमारी या मौत या बर्बादी अपना बसेरा बना लेती है। अनेक लोगों का मानना है कि घर में चमगादड़ होने से परिवार टूटकर बिखर जाता है और घर में मनहूसियत छा जाती है। इसीलिए घर में कभी भी चमगादड़ का घोंसला नहीं होना चाहिए। तीसरा है कौआ। कौए का बार बार घर में आना या तो आपके घर में घोंसला बना लेना अच्छा नहीं माना जाता, वहीं सपने में कौए का दिखना भी बुरे संकेत देता है। चौथी है उल्लू। अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियां आती है, लेकिन घर के सामने उल्लू का बैठकर बार बार बोलना बर्बादी आने का लक्षण होता है। आइए अब जानते हैं उस पक्षी के बारे में जिसका घर पर आना या घर में घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, वो पक्षी है चिड़िया। अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है या वहाँ पर अंडे देती है तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपकी संपत्ति में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है और आपके जीवन में चल रही परेशानियों का जल्द ही अंत हो सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो उसके घोंसले को भूल से भी ना तोड़े, नहीं तो इससे अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, बुरा वक्त हर व्यक्ति का आता है। बुरा वक्त आने से पहले किसी को समय बताकर नहीं आता, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती। वक्त अपनी गति से चलता है और कभी किसी का अच्छा समय आता है तो कभी किसी का बुरा समय। अच्छे समय में तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही दुखी हो जाते हैं और दुख को संभाल नहीं पाते। इसीलिए उनके लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नियमित करने से आपका बुरा समय जल्द टल जाता है और जितने भी समय रहता है उस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठकर किसी का चेहरा ना देखते हुए सबसे पहले अपने हाथों को चेहरे पर फेरना चाहिए और अपने हाथों की रेखाओं को देखना चाहिए। देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसका पूरा दिन सुखपूर्वक बीते। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना करनी चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी हर दिन पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी में दीपक भी लगाना चाहिए।
खाना बनाते समय सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए बनाएं और उस पर घी लगाकर गाय माता को खिलाएं। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। रात को सोने से पहले अपने द्वारा पूरे दिन में किए गए कार्यों को याद करना चाहिए और अगर आपने पूरे दिन में किसी व्यक्ति का दिल दुखाया हो या उसे कष्ट पहुंचाया हो तो भगवान से अपने किए की क्षमा याचना करें। हमारे शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देव का दर्जा दिया गया है। इनकी उपासना से जातक के बुरे से बुरे समय का नाश हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको नियमित तौर पर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ आपको हर रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का व्रत रखने और साथ ही श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से प्रतिकूल हालात आपके पक्ष में आने लगते हैं। वो लोग जो बेरोजगारी या आर्थिक मंदी से परेशान हैं, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए जातक को पीपल की सेवा जरूर करनी चाहिए। ये उपाय आपके स्वास्थ्य को भी सही रखता है, गंभीर बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना अवश्य करें। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से आपके जीवन में चल रही धन की परेशानियां, दरिद्रता समाप्त होती है। प्रदोष व्रत का संबंध भगवान शिव से है। जो जातक प्रदोष व्रत रखते हैं और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनका जीवन हमेशा विघ्न बाधाओं से दूर रहता है। उनका विपरीत समय जल्दी कटता है और सफलता के द्वार उनके लिए खुलने लगते हैं। नियमित तौर पर तुलसी सेवा करने से समय अनुकूल होने लगता है, हालात आपके पक्ष में आने लगते हैं और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में जरूर प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आपके घर में प्रवेश तभी करेंगी दोस्तों, जब आप माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ पूजा करेंगे। पूजा के बाद किसी गरीब को खाना खिलाइए, इससे आपके घर लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए रुकेंगी। बता दें कि जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ धन वर्षा होना तय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बढ़ता है। घर परिवार में बने कलह भी खत्म हो जाएंगे। घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश का चित्र इस प्रकार से लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। उस पर सुबह दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली प्रवेश करती है। दोस्तों, तेज पत्ता उन मसालों में शामिल है जिसका इस्तेमाल करीबन हर भारतीय रसोई में होता है। इसकी खुशबू की वजह से ये लाजवाब माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं तेज पत्ते के इस्तेमाल से आप अच्छी नींद सो सकते हैं? जी हाँ, एक छोटे से प्रयोग से ये संभव है। यही नहीं, अगर आप इस ट्रिक से तेज पत्ते का यूज करेंगे तो ये आपको सुकून भी देगा, घर से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी भी दूर करता है। तो आइए जानते हैं आपको कैसे ये इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप एक तेज पत्ता लें और इसे कटोरी या एश्ट्रे में जला लें। इसे कमरे के अंदर ही आपको करना है, यानी कि कमरे में ही जलाना है। इससे जो भी धुआं उठेगा उससे कमरे में तेज पत्ते की खुशबू फैल जाएगी। थोड़ी ही देर में आप कमरे में बैठने पर सुकून महसूस करेंगे। इस खुशबू में आधे घंटे बैठने से तनाव दूर होगा और अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।